तो शारजा रमदान T20 लीग के भाई अभी तक मैंने जितने भी मुकाबले कवर किए ना, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए उन्हें पता है भाई, सारे के सारे मैंने आपको काफ़ी अच्छे पैसे कमवा के दिए। और इस मैच में भाई हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि चार चार ओवर कौन से गेंदबाज डालेंगे। इसके अलावा चार चार ओवर के गेंदबाज के अलावा जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो कौन रहेंगे, इसके अलावा इनफॉर्म बैट्समैन कौन है, इसके अलावा कौन से ऐसे ऑलराउंडर जो चार ओवर की गेंदबाजी प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वीडियो में 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और जो भी भाई पहली बार चैनल पर आए हो ना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे आप वहां पर सर्च के बटन पर जाओगे आपको सिंपली @KPM321 सिंपली आपको बस इतना लिखना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसी चैनल पर आकर आपको ज्वाइन हो जाना है। और भाई जब आप ये वीडियो देख रहे होगा ना तो मैच स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम होगा, ऑलमोस्ट भाई 1 घंटा कुछ मिनट या फिर 1 घंटा 30 मिनट आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप जब भी देख रहे हो ना प्लीज भाई कंप्लीट देख लीजिएगा, अदरवाइज भाई आपका लॉस हो सकता है। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है ना तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना ही देखना पड़ेगा। अब चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो मैच के कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए निकाल कर लेके आया हूं। 38वां मैच है। टाइमिंग की बात करें तो रात को 1:15 पर मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो भाई मोस्ट पॉपुलर वेन्यू रहे मेरे हिसाब से भाई ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में मैच खेले जाएंगे। वहीं अगर बात करें यहां पर टेलीग्राम चैनल की तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी भाई पहली बार देख रहे हो ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको वो टीम मिलेगी जिस टीम के साथ मैं खुद पैसे लगाता हूं, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूं, सेम टीम में आपको देता हूं विद CVC। ऐसा नहीं है कि CVC में आपको प्रोवाइड ना करवाऊं, तो पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा सर्च भी आप कर सकते हो, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था @KPM321। दोनों टीम्स की बात करें तो भाई चार चार मैचेस में से दो दो मैच विन करके आ रहे हैं। यहां पर बात करें कोलकाता चॉकलेट्स की तो भाई चार मैच में से दो मैच इन्होंने विन किए। मिड ईस्ट मेटल्स की बात करें तो चार मैच में से दो मैच इन्होंने विन किए। वहीं अगर बात करें यहां पर पिच रिपोर्ट की तो अच्छी खासी बैलेंस्ड विकेट है। यहां पर भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों को इक्वली हेल्प है, लेकिन बाउंड्री थोड़ी शॉर्ट है, तो भाई अच्छे खासे हिटिंग वाले बैट्समैन यहां पर अच्छी खासा फायदा उठा सकते हैं। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 37 मैच में बिल्कुल न्यूट्रल सा वेन्यू लगा है। 19 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया, तो वहीं 18 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक साइड यहां पर फेवरेट आपको नजर आ रही हो। अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की। इसके बाद भाई यहाँ पर डेमो टीम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें दोनों टीम्स के लास्ट मैच की तो यहाँ पर सबसे पहले भाई बात करेंगे जो मिड ईस्ट मिल्स है, इन्होंने भाई अपना लास्ट मैच 24 रन से विन किया है। अगर यहाँ पर सबसे पहले इनकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भाई देखिए नोमान खान आए थे ओपनिंग में आर्यांश शर्मा के साथ, भाई दोनों ने टीम को काफ़ी अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद अली अनवर जल्दी आउट हो गए, 21 बॉल पर 32 रन बनाए भाई आवेश नूर ने। इसके अलावा नीचे बैटिंग में किसी ने कुछ खास किया नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए टॉप फोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग भी इनकी काफ़ी गजब की रही थी। 4 ओवर डाले भाई तैरान खान ने, 1 मेडिन ओवर सिर्फ 10 रन देकर 1 विकेट निकाला। इसके अलावा खुर्रम ख्वाजा ने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले। फैजन अली की बात करें 3 ओवर में 24 रन दे विकेट लेस गए। हजरत बिलाल 4 ओवर में भाई 3 विकेट इन्होंने निकाले। अली अनवर ने 4 ओवर डालकर विकेट लेस रहे। इसके अलावा आवेश नूर ने भी 1 ओवर डाला था। वहीं अगर बात करें यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कहाँ पे गया भाई, एक मिनट भाई, यहाँ पर मैं अली अनवर नंबर 3 पर बल्लेबाजी +4 ओवर की गेंदबाजी, आवेश नूर भी गेंदबाजी कर रहा है, इसके अलावा भाई यहाँ पर फैजन अली गेंदबाजी कर रहे हैं, तो चलो गेंदबाजी है। यहाँ पर आपके लिए दो GL के लिए बहुत अच्छे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आपको प्लेयर दिखेंगे। तो ये जो GL के लिए प्लेयर है ना, ये भाई आपको दिखने वाले हैं यहाँ से अली अनवर और कहाँ पे गया भाई आवेश नूर, ये दोनों भाई आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सामने वाली टीम की कोलकाता चॉकलेट्स की, तो ये भाई अपना लास्ट मैच 6 विकेट से करके आ रहे हैं। इनके ओपनर भाई जनाका चतुरंगा इस मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए थे। इनके साथ भाई रंजीत मानी, मैंने लास्ट मैच में बताया था रंजीत मानी जो हमारी टीम में थे 21 बॉल पर 31 रन बनाए, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई रुक कर खेलेगा लेकिन अच्छी खासी इनिंग खेल देगा। सपनदीप सिंह को मैंने बोला था क्लियरली, भाई आप जाके मेरी वीडियो देखो, मैंने क्लियरली बोला था कि GL में आप इसे कैप्टन करना। 47 बॉल पर भाई 89 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा लक्ष्मण श्री कुमार को भी भाई मैंने बोला GL में कैप्टन करना, लेकिन भाई ये थोड़ा सा फ्लॉप से हो गए, 9 रन बना पाए। कृष्ण कुमार ने 5 रन
रन। इसके अलावा मोहसिन जकाती ने यहाँ पर सिर्फ 2 रन बनाए। अब अगर बात करें इनकी बॉलिंग की तो बॉलिंग भाई काफ़ी लाजवाब रही थी। जीशान भट्ट की बात करें तो 4 ओवर में 2 विकेट, मनप्रीत सिंह जो हमारे वीसी थे 4 ओवर में भाई 3 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा भाई बॉलिंग में यहाँ पर किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। लक्ष्मण श्री कुमार को मैंने क्यों बोला था आपको वीसी करने के लिए, अब आपको यहाँ से पता लगा दूंगा मैं। 4 नंबर पर बैटिंग करेगा प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी, इससे ज़्यादा भाई आप एक गेंदबाज से मतलब एक ऑलराउंडर से क्या ही उम्मीद करोगे। 4 नंबर पर बैटिंग कर रहा है और भाई 4 ओवर की गेंदबाजी, बहुत ही गजब का प्लेयर है। रिजवान केएस की बात करें तो 3 ओवर डाले, विकेटलेस रहे। इसके अलावा भाई मोहसिन जकाती की बात करें तो 1 ओवर डाले, ये भी भाई विकेटलेस रहे थे। अब भाई यहाँ पर बात करेंगे डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले भाई मैं अगेन आपको एक बार याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल मेरे भाई जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी मैच की फाइनल टीम भाई आफ्टर टॉस आफ्टर प्लेइंग 11 टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चले भाई यहाँ से बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा, लेकिन अगेन फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। यहाँ से सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई क्लियर सी बात है, लास्ट मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई थी आर्यन शर्मा की, मैं इसे ट्राई करूँ। अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है ना तो भाई आप अतीकुर रहमान के साथ जा सकते हो, इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आर्यन शर्मा के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। रंजीत मानी को मैं अपनी टीम में रखूंगा। जय चतुरंगा ओपनिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ से अगर बात करें सपनदीप सिंह की तो लास्ट मैच में 126 पॉइंट हमें यहाँ पर फैंटेसी में दिए थे। इसके अलावा आवेश नूर हमारी टीम में 100% रहेंगे। नीचे आप चलोगे तो नोमान खान को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए तैरन खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर मैच में परफॉर्मेंस आई है। लक्ष्मण श्री कुमार यहाँ पर आप देखिए, 2 मैच में, एक मैच में भाई 110 पॉइंट, दूसरे में 90 और तीसरे में भाई यहाँ पर 76, यानी कि भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस। हालांकि इस मैच में नहीं चले, बट भाई जीएल में मैं अगेन बोलूंगा आप इसे कैप्टन वीसी जरूर करिए, और इवन भाई स्मॉल लीग में भी आप कर सकते हो। खुर्रम ख्वाजा लास्ट मैच में 3 विकेट, मस्ट हैव पिक रहेगा। इसके अलावा भाई अब यहाँ से 4 बैट्समैन हमने ट्राई कर लिए, तो भाई यहाँ से एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। यहाँ से भाई मैं आवेश नूर को ड्रॉप कर रहा हूँ, और यहाँ से भाई मैं मनप्रीत सिंह को अपनी टीम में जरूर रखूंगा। अली अनवर भाई नंबर 3 पर 4 पर बैटिंग कर रहा है, प्लस भाई बॉलिंग भी आपको करके दे रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। हजरत बिलाल हमारी टीम में रहेगा। नीचे अगर आप चले तो भाई मोहसिन जकाती को ट्राई कर सकते हो, बट मोहम्मद जीशान भट्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से रिजवान केस को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। सी वी सी की यहाँ से बात करें तो कैप्टन भाई यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ मनप्रीत सिंह को, और वीसी मनप्रीत सिंह को नहीं भाई एल श्री कुमार को मैं कैप्टन लेके चल रहा हूँ, और सपनदीप सिंह को वीसी। आप अगर चाहो तो रंजीत मानी को भी एज ए वीसी लेके चल सकते हो, या फिर भाई अगर आपको बिल्कुल ही सेफ जाना है तो भाई आप यहाँ से मनप्रीत सिंह के साथ जा सकते हो, बट भाई मैं अभी के लिए एल श्री कुमार और सपनदीप सिंह को ट्राई कर रहा हूँ। जीएल के कैप्टन की बात करें तो हजरत बिलाल, रंजीत मानी, नुमान खान और यहाँ से भाई आपके लिए खुर्रम ख्वाजा, ये 4 ऐसे प्लेयर रहेंगे जो जीएल में आपके लिए काफ़ी अच्छे सीवीसी रहने वाले हैं। टीम की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम आपको दिखेगी। अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो उसकी पूरी पूरी जानकारी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। साथ ही साथ अगर मैं सीवीसी कोई दूसरा चेंज करता हूँ या कुछ भी अपडेट आएगी ना, तो वो अब भाई इस वीडियो के बाद जो भी इस मैच की अपडेट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।